What does the graph say? आज 29th अक्टूबर 2019 ट्यूसडे है, सुबह के 7:55 हो रहे हैं। संडे मुहूर्त ट्रेडिंग थी 1 घंटे की, उसमें देखा हमने गैप अप ओपनिंग हुआ और उसके बाद ये नीचे आके क्लोज हुआ। हालांकि 11,600 का ये जो लेवल था इसके ऊपर जस्ट ये क्लोज हुआ है। लास्ट 4-5 ट्रेडिंग सेशंस देखे तो एक फ्लैट पैटर्न देखने को मिल रहा है, कंसोलिडेशन फेज देखने को मिल रहा है। तो अभी इस फेज का अगर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन मिलता है तो कहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन उससे पहले जो फ्राइडे का हमने एनालिसिस किया था उसका एक क्विकली रिव्यू करते हैं। यह एक पिक्चर है फ्राइडे का, यानी 25th अक्टूबर आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। अगर आपने हमारा फ्राइडे का वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ऊपर यहाँ आए बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो शुरू में तो निफ्टी इंडेक्स ओपन होने के बाद यहाँ पर तो कोई ट्रेड नहीं बनता, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट टारगेट था ब्रेकआउट लेवल के बाद जो फर्स्ट टारगेट था इसके ऊपर ही ये ओपन हुआ और फिर ये टुवर्ड साउथ की तरफ मूव आया। तो यहाँ पर ये फिर से ऊपर जाने की कोशिश किया इसने, लेकिन ब्रेकआउट लेवल को ये ब्रेक नहीं कर पाया। यहाँ पर ये एग्जैक्ट रेजिस्टेंस फेस करके ये टुवर्ड साउथ की तरफ मूव हुआ और हमारा जैसे ब्रेकडाउन लेवल ये ब्रेक हुआ तो 11,517 ये फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ और ऑलमोस्ट सेकेंड टारगेट भी अचीव होने वाला था। लेकिन इससे पहले यहाँ से ये सपोर्ट लेके फिर से जो ये टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ बढ़ा तो ब्रेकआउट लेवल फिर से एक बार एग्जैक्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर इसने फेस किया, तो काफ़ी एक्यूरेट ये लेवल साबित हुए। तो फ्राइडे के एनालिसिस के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 15 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 11,250 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था फ्राइडे के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट के भी हालात देख लेते हैं। कल अमेरिकी बाजार डाउ जोन्स नासडैक हरे निशान के साथ बंद हुए, काफी मजबूती देखने को मिली। यूरोपियन मार्केट भी देखें तो हल्के से बढ़त के साथ बंद हुए और आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो जापानीज मार्केट 95 पॉइंट के बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। हालांकि चाइना मार्केट और हांगकांग मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है। डाउ फ्यूचर की बात करें तो हल्के से बढ़त के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है और एसजीएक्स निफ्टी 12 पॉइंट के बढ़त के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से थोड़े मिले जुले संकेत आ रहे हैं। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। यह है निफ्टी का वीकली चार्ट, यह लास्ट वीक का कैंडल है, इसमें 1 आवर का जो मुहूर्त ट्रेडिंग हुआ था यह भी इसमें इंक्लूड है। तो ये देखे वीकली चार्ट में तो ये लॉन्ग लेग दोजी बना, ये कैंडल लॉन्ग लेग दोजी बना है। इसके पहले 3-4 हफ्ते पहले भी एक लॉन्ग लेग दोजी बना था, लेकिन इसमें डिफरेंस देखे तो जहां पर ये ओपन हुआ था नीचे की तरफ वहां पर ये ही आके क्लोज हुआ था। अब की बार जो लॉन्ग लेग दोजी बना है वीकली चार्ट में, ये जहां पर ओपन हुआ था ऊपर उसी के पास आके ये क्लोज हुआ है। तो यानी ये बुलिश दोजी है और ये जो है ये बियरिश दोजी है। तो चांसेस है, हमने यहाँ पर एक पैटर्न भी आइडेंटिफाई किया था। अगर आप हमें कई दिनों से फॉलो कर रहे हैं तो हमने लास्ट मंडे से यहाँ पर एक पैटर्न फॉर्म हो सकता है इसका प्रोबेबिलिटी यहाँ पर दिखाई थी। ये है कप और ये है उसका हैंडल, तो ये कप एंड हैंडल फॉर्मेशन यहाँ पर बन सकता है। हालांकि अभी यहाँ तक फॉर्मेशन बनने के बाद ये जो नेक लाइन बनेगा इसका ब्रेकआउट नहीं मिला, ये 11,700 के पास आके यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। एक बार इसका अगर ब्रेकआउट मिलता है यहाँ से, कोई भी इस लेवल के ऊपर डिसीजिव मूव आती है तो हमें यहाँ से जबरदस्त अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। आने वाले लेवल्स को प्रोजेक्ट करने के लिए भी हमने यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ किया था, तो इसका 61.8% का ये जो लेवल है ये भी ऑलमोस्ट नेक लाइन के पास आ रहा है। तो जैसे ही इस लेवल का अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है तो हमें यहाँ से जबरदस्त अपसाइड रैली देखने को मिल सकता है। तो ये पैटर्न है, ऐसा ही होगा ये कहा नहीं जा सकता, ये एनालिसिस कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये है अभी फिलहाल वीकली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में भी अगर आप अभी ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक पैटर्न देखने को मिल रहा है प्राइस एक्शन का, जिसे बुलिश फ्लैग कहते हैं। तो जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये हो सकता है इस फ्लैग का पोल, ठीक है, और ये हो सकता है इसका फ्लैग,
ये यहाँ पर फ्लैग हो सकता है। तो अभी ये ऊपर का लेवल और ये नीचे का लेवल, यानी अपसाइड लेवल जो है, अगर ये ब्रेक करता है इसके ऊपर कंफर्टेबली, अगर सस्टेन करता है एक दिन और स्ट्रांग बुलिश कैंडल्स दिखाती है, तो यहाँ से हमें ये ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है और भी टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है। मूविंग एवरेजेस की बात करें तो अभी देख सकते हैं आप 20, 50 और 100, ये तीनों मूविंग एवरेज जो कि ट्रेंड लाइन हम एजम्पशन करके चलते हैं, वो यहाँ पर अभी असेंडिंग ऑर्डर्स में यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं, जैसे कि हमने पास्ट में देखा। यहाँ पर ये देखिए 20, 50, 100 और उसके ऊपर जब ये इंडेक्स रहता है तो हमें अपसाइड मूव देखने को मिल रहा है। तो अभी फिलहाल यहाँ पर ऐसी सिचुएशन फिर से एक बार क्रिएट हो सकती है, ऐसा ही होगा ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये एक एनालिसिस है, हम आने वाले लेवल्स को प्रोजेक्ट करके यहाँ पर चल सकते हैं। अगर इस लेवल के अगर ब्रेकआउट मिलता है, इस फ्लैग का जो हमने अपर लेवल यहाँ पर ड्रॉ किया था, इसका अगर ब्रेकआउट मिलता है तो ही यहाँ से अपसाइड रैली हमें देखने को मिल सकता है। अभी ये चार पांच दिनों से आप देख रहे हैं एक पर्टिकुलर रेंज में ये ट्रेड कर रहा है, तो अभी ये साइडवेज जोन है, कंसोलिडेशन फेज है, इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलने दीजिए, फिर आपकी आगे की पोजिशन आप ओवरनाइट के लिए यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये था डेली और वीकली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, आज के लिए इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। अगर आप ये 60 मिनट का चार्ट देखें तो ये यहाँ से इस लेवल तक, यानी ये 11,700 के आसपास ये लेवल है, तो इसके ऊपर ये जा नहीं रहा है, फेल हो रहा है बार बार, ये एक, ये दूसरी बार, ये तीसरी बार और ये अभी चौथी बार। तो इस लेवल को कंफर्टेबली ब्रेक करने दीजिए, जो संडे का हाई था, यानी ये मैं डिलीट कर देता हूँ, ये जो संडे का हाई था 11,672, इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो ही यहाँ से हम इंट्राडे के लिए बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,695, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। ब्रेकडाउन ब्रेकआउट लेवल ये 11,678 होगा हमारा, और उसके बाद फर्स्ट टारगेट 695 का होगा और सेकेंड टारगेट होगा 11,714, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड्स ये साउथ की तरफ अगर मूव करता है तो पहले तो ये जो वन आवर का ट्रेडिंग था उसका ये जो लो था 11,604, ये जो लो है ये फर्स्ट सपोर्ट का काम कर सकता है। उसके तुरंत नीचे S1 का पिवट पॉइंट का लेवल है, फिर 20 EMA का मूविंग एवरेज का लेवल है, तो काफ़ी मल्टीपल सपोर्ट लेवल सारे, तो काफ़ी रिस्की हो सकता है यहाँ से शॉर्ट करना, कौन सा सपोर्ट लेके फिर से बाउंस बैक हो ये कहा नहीं जा सकता। तो जो रिस्की ट्रेडर्स है उनके लिए अगर ये 20 EMA, ये जो पिंक लाइन है आर्ली चार्ट में, ये अभी फिलहाल 11,590 के पास है, तो अगर ये ब्रेक करता है 11,590 तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,568, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, ठीक है। और सेकेंड टारगेट होगा ये जो ब्लू लाइन है 50 EMA का, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा, यानी 11,555 भी हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपके दोस्तों के साथ इस YouTube चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।